नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस एफटीआर सीरीज से आप अभी तक भली भांति परिचित तो हो चुके होंगे, इसलिए इसकी व्याख्या पर बहुत ज्यादा समय लगाना मैं लाजमी नहीं समझता। मैं आपको ये बता दूं कि भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था मैं डील करूंगा इस एफटीआर सीरीज में। और यह भारत का भूगोल विषय पर आधारित सबसे पहला वीडियो है जिसमें मुख्य रूप से हम यह चार टॉपिक डील करने वाले हैं। हम स्थिति एवं विस्तार पर बात करेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेशों पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक प्रदेश जब मैं कह रहा हूँ तो आप इसे भारत के भौतिक विभाजन से रिलेट कर सकते हैं। भारत का भौतिक विभाजन मुख्य रूप से पांच भागों पर विभाजित होता है और इस वीडियो पर उन पांचों भागों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सबको सम्मिलित नहीं करेंगे। सिर्फ हम उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को यहाँ पर डील करेंगे, बाकी भागों को हम दूसरे वीडियो पर डील करेंगे। और इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे दर्रों से या दर्रों पर बेस्ड क्वेश्चन से। देखिए, आपको एफटीआर के बारे में इतना तो जरूर पता होगा कि एफटीआर एक इनिशिएटिव है कंपटीशन कम्युनिटी का, जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से, लॉजिकल तरीके से और इफेक्टिव तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश की जाती है। और जो तरीका अपनाया जाता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, अर्थात एमसीक्यू लिया जाता है और उस एमसीक्यू के सही उत्तर की खोज पर जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है उस एक्सप्लेनेशन से आप उस टॉपिक को बहुत जल्दी रिवाइज भी कर लेते हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू के पैटर्न को भी आप समझ पाते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, बहुत सरल सा दिखता होगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए सरल भी है। ऐसा भी होता है कई बार जो चीज़ हमें बहुत सरल लगती है प्रैक्टिकली जब हमारे सामने आ जाता है तो वो कठिन भी हो जाता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्षेत्रफल पर आधारित है, भारत के क्षेत्रफल पर आधारित है। और भारत के क्षेत्रफल पर आधारित यह क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, भारत का रैंक पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इस क्वेश्चन के सही उत्तर की खोज पर हम इस इमेज पर पहली नजर डालते हैं। ठीक है, यह इमेज आपको दिख रहा होगा, पूरे विश्व का मानचित्र है और इसमें सारे महाद्वीप और सारे कंट्रीज भी मेंशन किए गए हैं। और जो रंगीन देश आपको यहां पर दिख रहे हैं वो प्रमुख रूप से वो शीर्ष के 10 राष्ट्र हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। चलिए, तो भारत के स्थान पर प्रश्न है। तो भारत का स्थान सीधे अगर हम देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है और ये कितना है, 7th रैंक। क्लियर है? सबसे पहले रैंक पर कौन सा राष्ट्र है तो वह है रशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है तो कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन सा राष्ट्र है तो कनाडा के दक्षिण पर स्थित नॉर्थ अमेरिका पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर पर भारत का पड़ोसी देश और वह कौन सा है, चीन। पांचवे नंबर पर दक्षिण अमेरिका पर स्थित ब्राजील। छठवे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर चला आएगा भारत। क्लियर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और अगर आप प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें से 2.4% भौगोलिक भाग भारत के पास है। क्लियर है? तो इस आधार पर, इस जानकारी के आधार पर अगर सही उत्तर आपको चूज करना हुआ, आपको चुनना हुआ, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7वां। बहुत ही सरल और बहुत ही सामान्य से दिखने वाला यह प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत विस्तृत है। देखिए, ये क्वेश्चन भारत के अक्षांशीय विस्तार पर आधारित है। स्थिति एवं विस्तार वाले टॉपिक को हम डील करेंगे, ऐसा मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था, आपको अवगत करा दिया था। और स्थिति एवं विस्तार जब हम कहते हैं तो मुख्य रूप से इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। देखिए, जब हम स्थिति एवं विस्तार कहते हैं तो मुख्य रूप से हम भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति का अध्ययन करते हैं, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम कर्क रेखा पर आधारित कुछ जानकारी देखते हैं, फिर उसके बाद हम मानक रेखा पर कुछ जानकारी देखते हैं,
क्लियर है। और उसके बाद हम भारत और भारत के पड़ोसी देशों पर जानकारी देखते हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर से जब स्थिति एवं विस्तार आप लोगों ने पढ़ा होगा या भारत की स्थिति एवं विस्तार जब आप सुनते हैं तो मोटे मोटे तौर से ये चार पांच टॉपिक को ही डील किया जाता है। इसका जो उपखंड होगा, जो सब क्लासिफिकेशन होगा, वो आगे और बढ़ता है। लेकिन स्थिति एवं विस्तार जब आप कहें तो मुख्य रूप से इन चार पिलर पर आधारित, इन चार थीम पर आधारित कंटेंट ही आप देखते हैं और इसी तर्ज पर यह क्वेश्चन भी बना हुआ है। अच्छासी विस्तार पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत विस्तृत है और यहां पर आपको चार ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। इस क्वेश्चन के सही उत्तर पर जाने से पूर्व हम इमेज के माध्यम से भारत की स्थिति एवं विस्तार को सरसरी निगाह से देख लेते हैं, ठीक है। यह इमेज है और यहां पर आपको भारत का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार बहुत ही क्लियरली दिखेगा। चलिए, अक्षांशी विस्तार जब आप कहते हैं तब आप क्या करेंगे कि भूमध्य रेखा से भारत की जो अक्षांशी दूरी है, जो दक्षिणी बिंदु की दूरी है, जो उत्तरी बिंदु की दूरी है, उस पर आप जानकारी देखेंगे। जैसे कि जब आप भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के सबसे दक्षिणतम बिंदु की आप बात करें, तब आप किसे कंसिडर करेंगे? तब आप निकोबार आइलैंड पर स्थित इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे। आ रही बात समझ में? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर कहा जाए तब आप मुख्य भूमि पर ही सीमित रहेंगे, आप द्वीप समूह की तरफ नहीं जाएंगे। और जब आप मुख्य भूमि की बात करेंगे तब यह तमिलनाडु पर स्थित कन्याकुमारी नामक स्थान आपको दिखेगा। तो दो प्रकार के दक्षिणतम बिंदु आपको याद करने होते हैं, एक सबसे दक्षिणतम बिंदु और एक मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो ये तो हो गई बिंदु स्थान का नाम, और अक्षांशी जो विस्तार है उस पर भी बात आपको करना होगा, वो भी याद करना होगा। जैसे कि अगर आप भारत के सबसे दक्षिणतम अक्षांशी विस्तार की अगर आप बात करें तो यह कितना है? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमें देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट यह आप याद रखेंगे, क्लियर है। और जब आप सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तब यह कितना होगा? तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यह कहां पर स्थित है? तो लद्दाख रीजन पर इंदिरा कोल नामक स्थान पर यह स्थित है। यह हो गया अक्षांशी विस्तार, ठीक है। किलोमीटर के आधार पर अगर आप इस विस्तार को देखें, अक्षांशी विस्तार को देखें, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अब देशांतरी विस्तार की बात करें, अर्थात पश्चिम से पूर्व के विस्तार की बात करें, तो दूरस्थ बिंदु पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु हमें देखने को मिलेगा वह गुजरात के गुहार मोती नामक स्थान पर दिखेगा, और जिसकी जो सबसे पश्चिमी बिंदु की जो देशांतरी स्थिति है वो कितनी है? 68.7 डिग्री पूर्व देशांतर या लॉन्गिट्यूड। पूर्व भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, उत्तर पूर्वी आप नहीं कह देंगे, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध पर भारत की स्थिति हमें देखने को मिलती है। और भारत के पूर्वी दूरस्थ बिंदु का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व लॉन्गिट्यूड, और यह कहां पर स्थित है? तो यह किबीतू अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है, ठीक है। और किलोमीटर पर आपको 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा। चलिए, इसको लेकर कई बार यह होता है कि याद नहीं होता, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, रिवीजन भी तो करना है। देखिए, अक्षांशी स्थिति को अगर याद करना है, लैटिट्यूडनल पोजीशन को अगर याद करना है, तो आप एक संख्या इमेजिन करें, कंसिडर करें, इमेजिन नहीं कंसिडर करें, 8, ठीक है। और 8 का आप क्या कर दें? आधा, हाफ कर दें, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो सबसे पहला जो निष्कर्ष हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये क्या हो गया? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका अक्षांशी स्थिति, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है? इस पूर्वी बिंदु पर
हमको जाना है, उसके अक्षांशीय स्थिति को पहचानना है। तब आप क्या करें, यही 8-4 के इर्द गिर्द घूमेगा, 4 में से 1 माइनस करें कितना होगा 3, फिर 8 में से 1 माइनस करें कितना होगा 7। एक बार आपने ये 4 को ले लिया, एक बार इसने आपको 8 को ले लिया आपने, और 7 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 6। अब इसे अगर आप एक साथ जोड़ें तो यह कितना दिख रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब्सर्ड है, इलॉजिकल है, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से हमें ऐसे अब्सर्ड और इलॉजिकल तरीके निकालने होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर लें, थोड़ा सा सरल हो गया ये अक्षांशीय स्थिति को याद करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉन्गिट्यूड पर भी कुछ ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, जो भी आपका लैटिट्यूड आया है उसमें 60-60 ऐड कर दें, ठीक है। जैसे कि 8 में आपने 60 ऐड कर दिया, 8 था ना यहां पर, आपने देखा तो ये कितना आ गया 68। और 6 और 8 के बीच, ध्यान से सुनिएगा, 6 और 8 के बीच में क्या रहता है, 7। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपको देखने को मिल जाएगा, भारत का सबसे पश्चिमी जो देशांतरी स्थिति है वो, ठीक है। चलिए, अब 37 आपको दिखा था, तो इस 37 में भी आप क्या कर दें, 60 को ऐड कर दें तो यह कितना आ जाएगा, 97। 9 और 7 के बीच कितना अंतर है, तो वह है 2, और 2 और 7 के बीच कितना अंतर है, 5। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व आप देख लें तो यह क्या हो गया, आपका देशांतरी विस्तार की स्थिति, सबसे पूर्वी देशांतरी जो विस्तार है भारत का, उसका देशांतरी स्थिति। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो ये एक तरीका है याद करने का। अब ये किलोमीटर कैसे आप याद कर सकते हैं, तो इसका एक तरीका आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। और जब हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो भी 30 डिग्री का अंतर है, तो 3000 किलोमीटर के आसपास आएगा। क्लियर है, तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और यहां पर भी आप 3000 के आसपास देखेंगे, जो इसकी चौड़ाई होगी, जो पश्चिम से पूर्व का विस्तार होगा, यह भी आप 3000 के आसपास देख सकते हैं, 2933 किलोमीटर। तो बहुत ही जल्दी से ये एक ट्रिक मैंने बताने की कोशिश की, ट्रिक नहीं कह सकते, थोड़ा सा सरल तरीका है कि ज्यादा लंबे समय तक ये चीजें याद रहेंगी। क्लियर है, चलिए। तो ये सारी चीज अगर हम समझ गए तो सही उत्तर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए, 37 डिग्री उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट, देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमको क्या पता है कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि कंसिडर करते हैं, तो ऐसा तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन सामान्य तौर से ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम पर पूछे गए हैं, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, टॉपिक जब हम डील करते हैं, तब जितने भी एग्जाम हुए करते हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो CGPSC का हो, MPPSC का हो, UPSC का हो, BRPSC का हो, इन सारे PSC के एग्जाम पर पूछे गए प्रश्नों को ही एक बेंचमार्क बनाते हैं, उस बेंचमार्क के आधार पर एक ट्रेंड, एक पैटर्न को हम पहचानते हैं, और उस पैटर्न पर बेस्ड फिर हम कंटेंट डील करते हैं, और उसे ही हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, पैटर्न पहचानने वाली बात है। तो इसलिए क्वेश्चन जो लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी ना कभी पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पर आधारित क्या क्या जानकारी आपको याद रखनी है, और किस राज्य में यह कर्क रेखा सबसे लंबा दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको याद करनी है, और इसी को घुमा घुमा के कई प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर पूछा गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको ये राज्यों के नाम दिए गए हैं और कूट रूपी ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको सही उत्तर चुनना होगा सही ऑप्शन के रूप में। तो सीधे उत्तर की खोज पर नहीं चलते, पहले हम क्या करते हैं,
इसके एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं, रिवीजन हो जाएगा, फिर हम उत्तर की ओर चले आएंगे। देखिए ये रहा भारत का मानचित्र, ये ट्रिक है इसे याद करने का, तो इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले जब ये भारत में आप देखें तो यह गुजरात में दिखेगा, फिर यह दिखेगा राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश से गुजरेगी, फिर छत्तीसगढ़ के ऊपर से, फिर झारखंड के ऊपर से, फिर पश्चिम बंगाल के ऊपर से, फिर त्रिपुरा के ऊपर से और फिर मिजोरम के ऊपर से। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। याद करने का तरीका यहाँ पर मैंने बताया है, गर्म चीज बदतमीज, ये चीज आप याद रखिए। लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, सामान्य तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और बहुत ही गर्म मिजाजी है, गर्म मिजाजी अर्थात मुफट है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, सही हो गलत हो जो मन आया वो बोल देता है, तो सामान्य तौर से ऐसे गर्म मानसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को बदतमीज कह दिया जाता है कि वो बदतमीज है, उसे तमीज नहीं है बात करने की। ठीक है, तो गर्म चीज बदतमीज, ये चीज आप याद रखिए, राज्य आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि गुजरात से आप ग याद कर ले, राजस्थान से आप रा याद कर ले, मध्य प्रदेश से आप मा ले ले, छत्तीसगढ़ के लिए आप च ले ले, झारखंड के लिए झ, पश्चिम बंगाल, बंगाल है तो ब ले लिया आपने, त्रिपुरा है तो उसका जो पहला इनिशियल लेटर है त ले लिया आपने, और मिजोरम के लिए आपने मीज ले लिया, और इन सबको जब आपने जोड़ लिया तब आपके सामने क्या आ गया, गरम चीज बदतमीज। ठीक है, तो ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, चीज में च से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, और बदतमीज में से ब से बंगाल, त से त्रिपुरा, और मीज से आप मिजोरम को याद रख सकते हैं। और किस राज्य के ऊपर सबसे लंबा हमें कर्क रेखा का कुल भाग का सबसे लंबा भाग दिखता है, तो वह है मध्य प्रदेश, और सबसे छोटा दिखेगा राजस्थान में। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज अब याद रहेगी हमेशा। तो अब आ जाते हैं सही उत्तर की खोज में। देखिए गुजरात से तो गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, और झारखंड से भी गुजरता है। गरम चीज बदतमीज अगर आपको याद है तो ये क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरता। एलिमिनेशन तरीके से हम सही ऑप्शन को खोजते हैं। एलिमिनेशन क्या, ये कौन सा तरीका हुआ, देखिए जो चीज गलत है उसे ऑप्शन से हटाने की आप शुरुआत कर दें। जैसे थर्ड वाला पॉइंट जो तीसरा राज्य है ये गलत है, तो जहां जहां पर तीसरा जो राज्य दिया हुआ है उसे हटाने लग जाए, तो देखिए बी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा और डी भी हट जाएगा, तो शेष कौन सा रह गया, ऑप्शन ए, और यही ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। टिक कर दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा, गलत कर देंगे -0.66 कट जाएगा, 1/3 कटता है कुल मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो गर्म चीज बदतमीज याद रखिए, कर्क रेखा से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपसे याद हो जाएंगे। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किन राज्यों से नहीं गुजरती कर्क रेखा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो भी आप नोट कर लें। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ तो मैंने आपको बता दिया, तो उसे भी आप यहाँ पर उसे भी उस पर बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी ध्यान में आप रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, मानक समय पर आधारित यह प्रश्न है, भारत का जो मानक रेखा है कहाँ से गुजरता है, सोचते रहिए हम आते हैं उस पर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो स्थान होगा के समय में कितने घंटे का अंतराल है। सीधे तौर पर सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का और सबसे पूर्वी बिंदु जो होगा भारत का, इन दोनों बिंदुओं के मध्य कितने घंटे का अंतराल देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सूर्य उदय देखते हैं भारत में, तो सबसे पहले ये पूर्वी भाग पर दिखेगा, और पूर्वी भाग पर जितने भी बजे ये सूर्य उदय आप देखें, सूर्य की पहली किरण गिरते हुए दिखे, उसके कितने घंटे बाद पश्चिमी भाग पर सूर्योदय या सूर्य की पहली किरण आप देख पाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर से पहले एक्सप्लेनेशन पर चले आते हैं। ठीक है, चलिए भारत का जो मानक समय है वो कहां से गुजरता है, तो उसका जो देशांतरी स्थिति है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, जो कि
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि किन किन राज्यों से यह रेखा गुजरती है, यह मानक समय रेखा गुजरती है, तो वह राज्य कौन कौन से हैं? तो वह राज्य उत्तर प्रदेश पहला, छत्तीसगढ़, क्लियर है, मध्य प्रदेश, ठीक है, 1, 2, 3, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो मुख्य रूप से 5 राज्यों से यह भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। याद करने का ट्रिक बता दूं इसे, आप मौका से याद रखें। देखिए, आपके पास मौका है इस प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक करके, अगले चरण को पार करके आप दूसरे चरण पर पहुंच सकते हैं जो कि है मेंस। ठीक है, तो मौका से आप इसे याद रख सकते हैं, मौका अर्थात अपॉर्चुनिटी। देखिए, एम से क्या होगा? मध्य प्रदेश। ओ से क्या होगा? उड़ीसा। यू से क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और सी से क्या होगा? छत्तीसगढ़। और अंतिम में ए से होगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों पर आधारित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है उस क्वेश्चन के लिए आपको ये जानकारी थोड़ी सी देखनी होगी। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उस पर आधारित जानकारी के लिए हमको कुछ और अपना एंगल चेंज करना होगा। ठीक है, देखिए, हमें क्या पता है कि पश्चिमी देशांतरी स्थिति कितनी है? तो 68°7' ईस्ट और 97°25' ईस्ट हमारी पूर्वी देशांतरी स्थिति है। लगभग लगभग कितना अंतर देखने को मिल रहा है? तो 30° का अंतर देखने को मिल रहा है। क्लियर है। और हमको यह भी पता है कि पृथ्वी 360° घूम जाती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। अर्थात एक घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमेगी? तो आप 360 को भाग दे दीजिए 24 से, तो आ जाएगा 15°। एक घंटे पर पृथ्वी 15° घूमती है। क्लियर है। अब एक डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है यह जानने के लिए आपको क्या करना होगा? एक घंटा अर्थात 60 मिनट और डिवाइडेड बाई आप कर दीजिए 15° से, तो यह आ जाएगा 4 मिनट। तो एक डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है और यहां पर अंतर कितना दिख रहा है? 30°। तो 30° घूमने के लिए पृथ्वी को कितना मिनट लगेगा? तो 4 से आप भाग दे दें तो यह आपको दिख गया 120 मिनट, और 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। क्लियर है। तो अब आप सही उत्तर बता लेंगे ऐसा मैं मानकर चलता हूं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? 2 घंटा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी, 2 घंटा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आधारित है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉन्ट की वजह से आप इसे नजरअंदाज करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। आपको पता ही है इंदिरा पॉइंट, डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? उत्तर मैंने दे दिया क्योंकि आपको ऑलरेडी ये पता होगा, अरुणाचल प्रदेश का किबितु और गुजरात का गुहार मोती। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये पैटर्न को समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अच्छांसी स्थिति होगी, जो डिजिट्स होंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और ये राज्यों पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और राज्यों में जो स्थान है दूरस्थ बिंदु वाले उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीमावर्ती देश पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पड़ोसी देशों पर बात होगी भारत के। क्वेश्चन कूटरूपी है, 4 कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है और फिर उसके बाद देखना है कि सारे कथनों में से कौन से कथन सही हैं, और ये पहचानने के बाद सही उत्तर आपको चूज करना है। क्लियर है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला कथन क्या कहता है? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है।
इसकी जो सत्यता है इसके पुष्टिकरण पर हम जाएंगे, लेकिन बाकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। असम के बाद फिर पश्चिम बंगाल पर बेस क्वेश्चन है, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, और उसके बाद मिजोरम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, अर्थात हमें असम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम को देखना होगा। तो चलिए फिर से हम इमेज का इस्तेमाल करते हैं। ये भारत और भारत के पड़ोसी देश और भारत के वह राज्य जो उन पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं, उनकी जानकारी यहां पर दी गई है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वह असम से रिलेटेड था, और यह किसके किसके बीच सीमा साझा करता है ऐसा पूछा जा रहा था, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो चलिए जब हम भूटान को देखते हैं, ठीक है, तो भूटान से जो राज्य भारतीय भारत देश के राज्य जो सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो भूटान में आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भूटान के साथ तो असम सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ भी जब आप देखेंगे तो भी असम आपको दिखेगा जरूर, तो असम कॉमन है। ठीक है, इसलिए पहला कथन भी सही है। दूसरे कथन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा कथन पश्चिम बंगाल से भूटान और नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में अगर आप देखें यहां पर नेपाल है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का ये वाला जो भाग है ये नेपाल से शेयर होता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का ये वाला जो भाग है यह भूटान से शेयर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूसरा कथन है यह दूसरा कथन भी क्या होगा, सही होगा। फिर मिजोरम पर हम आते हैं। मिजोरम पर अगर आप देखें, ये रहा मिजोरम। ठीक है, तो बांग्लादेश इस साइड पर पड़ेगा और इस साइड पड़ेगा म्यांमार, तो दोनों से मिजोरम की सीमा जो है वो साझा होती है। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर दिख रहा है वह है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। अब इसे याद करने का एक तरीका, यहां पर आप देख रहे होंगे तो सभी देशों के इनिशियल लेटर को यहां पर आप लिख दीजिए, जैसे बांग्लादेश, और ये किस आधार पर आप लिख रहे हैं, तो सबसे लंबी सीमा रेखा जिस देश के साथ साझा करता है भारत उसे सबसे पहले आपने रख दिया। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, और वह कितना है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश का आप बी ए ले ले, चाइना का आप सी एच ले ले, पाकिस्तान का पी ए ले ले, नेपाल का एन ले ले, म्यांमार का एम ले ले, भूटान का बी और अफगानिस्तान का ए, और इन सबको अगर आप जोड़ दें तो क्या दिखेगा, 55 MBA। आजकल तो टीवी एड भी आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे MBA क्यों नहीं कर सकते, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 55 MBA। तो 55 का बी ए बांग्लादेश को डिनोट करता है, सी एच चाइना को, पी ए पाकिस्तान को, एन नेपाल को, और MBA तो एम डिनोट करता है म्यांमार को, बी भूटान को, और ए करता है अफगानिस्तान को। तो सबसे छोटी जो सीमा रेखा साझा होती है वह किसके 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 साथ साझा होती है भारत की, तो वह अफगानिस्तान के साथ। क्लियर है, चलिए तो ये एक तरीका था याद करने का। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न क्या कहता है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता। अगर हिमालय नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ हिमालय, भारत कैसा होता, या वो भारत में जो प्रभाव देखने को मिलता वो क्या होता। तो देखिए, भारत में आपको हिमालय कहां पर दिखता है, तो भारत में हिमालय आपको पश्चिम से पूर्व में विस्तारित धनुषाकार आकृति पर स्थित उत्तरी पर्वत क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर यह नहीं होता, देखिए इसकी विशेषता क्या है कि पूरे विश्व का नवीनतम और उच्चतम पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम भी है और उच्चतम भी है। उच्चतम आपको पता ही है कि यहां पर माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी स्थित है नेपाल। चलिए तो देखते हैं और कथन देखते हैं, और फिर उसके बाद हम सही उत्तर की खोज करते हैं, जो कि क्या
खोजने से मिलेगा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ध्यान रखिएगा, सही गलत सत्य असत्य इसे जरूर आप ध्यान से देखेंगे। कई बार मिस्टेक होता है, बहुत सिली मिस्टेक होता है, लेकिन खामियाजा सिली नहीं होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। देखिए, जब आप हिमालय को देखें, ठीक है, तो हिमालय की इस स्थिति की वजह से जब सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र पर जब उच्च वायु दाब बना होता है, हाई प्रेशर बना होता है, तो हमें यह पता है कि वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रभावित होती है। तो इस स्थान से, इस हाई प्रेशर जोन से, उच्च वायु दाब क्षेत्र से पवने जो होंगी वह प्रवाहित होंगी दक्षिण की ओर। और ये पवने कैसी होती हैं? तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सूर्य अभी नहीं है, तो इन पवनों का जो तापमान है बहुत कम होगा, या फिर ये पवने ठंडी होगी। तो जब ये पवने प्रभावित होंगी दक्षिण की ओर, तब भारत के ऊपर से गुजरने का प्रयास करेंगी। क्लियर है? लेकिन भारत के इस भाग पर यह पवने प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि यहां पर हिमालय खड़ा हुआ है। ठीक है, 8 से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक ये समांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, और इतनी ऊंचाई काफी है इन पवनों को रोकने के लिए। ठीक है, तो अगर हिमालय नहीं होता तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया, देखिए इस स्थान पर स्थित है साइबेरिया, साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। शीत लहर अर्थात ठंडी पवने, बिल्कुल सही है ये कथन। अगर हिमालय नहीं होता तो हम जरूर अनुभव करते, हिमालय है तो उन्हें भारत में प्रवेश होने से रोक देता है हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे कथन पर हम बात करते हैं। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृत्तित जलोढ़ मृदा से वंचित होती। देखिए, जब आप भारत में हिमालय और उत्तर भारत का मैदान देखें, तो देखिए यहां तक हमें क्या दिखेगा, लगभग हमें ये नॉर्दर्न माउंटेन या फिर उत्तर पर्वतीय क्षेत्र दिखेगा, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के बाद, जब हिमालय का उत्पत्ति हो गया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। नवीनतम कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके जो भूगर्भिक संरचना है अभी कठोर नहीं है, कोमल है। ठीक है, अर्थात कमजोर है, आसानी से टूट सकती है। कोमल के साथ साथ में हिमालय का ढाल हमें भारत की ओर तीव्र दिखता है। आ रही बात समझ में? अर्थात ढाल ग्रेविटी का भी यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कोमल भी है। तो जब नदियां इन क्षेत्रों से गुजरेगी तो तीव्र ढाल होने की वजह से नदियां काफी तेजी से बहेंगी, और कोमल भूगर्भिक संरचना होने की वजह से उन चट्टानों को तोड़ेगी, जो उसके सतह, हिमालय के सतह होने, तोड़ेगी ये नदियां और अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगी। और जब मैदान पर प्रवेश करेंगी, जब मैदान पर ये नदियां प्रवेश करेंगी, तब ढाल कम हो जाएगा, नदियों के पास ताकत कम हो जाएगा, और अपने साथ जो ये कंकड़ पत्थर लिए हुए ये नदियां आगे बढ़ी हैं, उन्हें इन क्षेत्रों पर यह क्या कर देगी, छोड़ देगी, या इन अवसादों का यहां पर निक्षेपण होगा, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होगा, और यही अवसाद फिर क्या बनेंगे, एक समतल भूमि के रूप में भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक भाग बनेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हिमालय की नदियों के द्वारा यह उत्तर भारत का विशाल मैदान निर्मित नहीं हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं इस उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में। हालांकि अगर हिमालय नहीं होता तो ये नदियां नहीं होती, इनके पास ये तीव्र ढाल की ताकत नहीं होती, और ये जो आप मैदान अभी वर्तमान समय पर भारत में देख रहे हैं, ये मैदान भी आप नहीं देखते। तो ये दूसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये कथन भी बिल्कुल सही है। देखिए, हिमालय पर बात हुई है, लेकिन जो एंगल लिया गया है वो जलवायु का भी एंगल लिया गया है, वो उत्तर भारत के विशाल मैदान या जलोढ़ निक्षेपण का भी एंगल लिया गया है। देखिए, जब हम हिमालय की बात करते हैं और हिमालय का जलवायु में प्रभाव हम देखते हैं, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि हिमालय नहीं होता तो जैसा आज हम मानसून देख रहे हैं
वैसा मानसून भारत में नहीं होता। क्यों? क्योंकि मानसून की उत्पत्ति के लिए आवश्यक क्या है, मानसून के लिए आवश्यक जो स्थिति होनी चाहिए वो होनी चाहिए भारत में लो प्रेशर होना चाहिए। अर्थात भारत में जब मानसून आए तो भारत में लो प्रेशर होना चाहिए या फिर भारत में तापमान काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अब हिमालय है, हिमालय के टकराव की वजह से ही और अन्य कारकों की वजह से ही तिब्बत का पठार बना और इस वजह से यहाँ पर तापमान काफ़ी बढ़ता है, पहला कारण। दूसरा कारण, हिमालय की वजह से पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हमें होता हुआ दिखता है। तीसरा कारण, इस हिमालय की वजह से पर्वतकृत वर्षा भी हमें देखने को मिलता है, अर्थात हिमालय इन मानसूनी पवनों को रोकता है और भारत की ओर वर्षा कराने के लिए इन मानसूनी पवनों को बाधित करता है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये पवनें शायद और उत्तर की ओर बढ़ जाती और भारत में जो मानसूनी प्रतिरूप हम देख रहे हैं वो नहीं देख पाते, या फिर आप कह सकते हैं कि चाइना पर स्थित विशाल गोबी डेजर्ट को बनते हुए हम नहीं देख पाते। हिमालय है इसलिए मानसून की ये स्थिति हमें आज देखने को मिलती है जो वर्तमान में भारत के मानसून की विशेषता बनी हुई है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है और इस आधार पर सबसे सही जो हमें ऑप्शन दिखा वह क्या है, ऑप्शन डी, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1, 2 और 3, तीनों कथन सभी सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, निसंकोच। वीडियो तो भी और आने वाले हैं, आपके डाउट्स को मैं कंसिडर कर लूंगा और अगले वीडियो पर जो भी वीडियो आएगा उसे फिर से एक एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको वो चीज समझा दूंगा, ठीक है, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कर दिया जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं लेकिन आवश्यकता क्या है कि अगर आप पूछेंगे नहीं, डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, कंफ्यूजन अपनी रखेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये चीज आपको फिर से समझानी है या समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, चिंतन करिए, मनन करिए, सब एक ही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारी भाग है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या कहता है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा कथन है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। और चौथा कथन क्या है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से फलस्वरूप हुई है। मतलब कि ये तीन प्लेट टकराए, भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई, ये चौथा कथन कह रहा है। अब हमें वही करना है, कौन सा कथन सही है उसे यहां पर पहचानना है और उसके आधार पर सही ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम मेघालय की पठार की बात करते हैं तो मेघालय का पठार मेघालय राज्य पर स्थित 3 पर्वत श्रृंखला का नाम है। सबसे पश्चिम पर हमें क्या दिखेगा, गारो, मध्य पर क्या दिखेगा, खासी, और सबसे पूर्वी भाग पर क्या दिखेगा, जयंतिया। ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत पड़ा जाता है। देखिए जब आप हिमालय देखते हैं तो हिमालय का ही भाग ये उत्तर पूर्वी के ये सारी पहाड़ियां बनती हैं। कौन कौन से, तो ये अरुणाचल प्रदेश का पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारे बनते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य पर ये गारो, खासी, जयंतिया जरूर है लेकिन हिमालय के भाग का विस्तारित भाग नहीं है, यह प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर प्लेटियों का विस्तारित भाग है। क्योंकि जब हम मेघालय के पठार या गारो, खासी, जयंतिया की भूगर्भिक संरचना पर नजर डालते हैं तो बहुत ज्यादा समानता हमें प्रायद्वीपीय भारत से देखने को मिलती है, हिमालय से वो समानता देखने को नहीं मिलती। और इस समानता के आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह गारो, खासी, जयंतिया हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों पर स्थित पहाड़ियां हैं लेकिन यह हिमालय नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय भारत के विस्तारित भाग है, ठीक है। तो यहां पर आप इस पहले कथन की अगर आप वो देखें तो क्या है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पर दक्कन का पठार, जी बिल्कुल सही है, ये कथन कोई गलत नहीं है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, दक्कन का पठार, सारी चीजें एक ही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई थी। समभिन्नति क्या है कि जब जो सतह होते हैं, जो नदी के नीचे जो सतह था, 33 सागर वाला कंसेप्ट है, जब ये प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराए तो जो 33 सागर का जो नीचे वाला भाग था, जो बेस था, उसमें स्क्वीजिंग हुई,
वह सिकुड़ा और जो एक फोल्डेड भाग बना, जो वलित भाग बना, उसे ही संभिन्नति या जीव सिंक्लाइन या भूसन्नति कहा जाता है। तो पूरा का पूरा हिमालय ही उसी का अपलिफ्टमेंट पार्ट है और कश्मीर घाटी भी उसी के अंतर्गत आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरे कथन पर हम बात करते हैं, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई थी। अग्रगर्त अर्थात फोर डीप, अग्रगर्त। देखिए एडवर्ड स्वेज की थ्योरी है, एडवर्ड स्वेज की थ्योरी है मैदान के निर्माण को लेकर। इनका क्या कहना है कि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, ऐसे अपलिफ्टमेंट पार्ट बना, एक उत्थित भूखंड बना, तो इस उत्पत्ति के बाद, हिमालय की उत्पत्ति के बाद एक गर्त बना। गर्त अर्थात आप गड्ढा कह सकते हैं, ठीक है। ये अग्र गर्त बना और इसी अर्ग गर्त पर हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपी भारत की नदियों ने क्या किया, निक्षेपण किया, और जो समतल भूमि इन निक्षेपित भागों से बनी उसे ही उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा कथन गलत है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति में चीनी प्लेट के अभिसरण का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराव से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो चौथा गलत अर्थात ऑप्शन बी हटा दीजिए, ऑप्शन डी भी हटा दीजिए, और सही ऑप्शन अब हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा तो ठीक, नहीं तो कमेंट सेक्शन पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपी क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपी भारत का जो उत्पत्ति है, जो निर्माण है, जो विकास यात्रा है, ये हमें प्री कैम्ब्रियन एरा से ही देखने को मिलता है। प्री कैम्ब्रिया एरा सबसे पुराना समय काल है, ठीक है। तो ये पहला कथन तो सत्य है, ध्यान रखिएगा असत्य पूछा गया है, तो सही आंसर ये नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य है। ऑप्शन बी क्या कहता है, हिमालय विश्व में सबसे, अच्छा यहां पर उत्तर आपको दे दिया गया बट नजरअंदाज कर लेंगे आप, ठीक है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। देखिए प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद क्या आया था, तो प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद आया था पैलियोजोइक या पुराजोइक, पुराजीवी काल। पैलियोजोइक के बाद आया था मेसोजोइक या फिर मध्यजीवी काल, और मेसोजोइक के बाद आया था सेनोजोइक या फिर नवजीवी काल। और सेनोजोइक के अगर पीरियड हम अलग अलग करें तो इसमें आता है टर्शियरी और क्वार्टरनरी। तो हिमालय का उत्पत्ति एवं विकास हमें कब देखने को मिलता है, तो सेनोजोइक के टर्शियरी पीरियड पर, ठीक है। और इसलिए इसे क्या कहा गया, नवीन वलित क्यों कहा गया, तो देखिए जब दो प्लेटें टकराएंगी, जब दो प्लेटों का अभिसरण होगा तो बीच का जो भाग होगा टकराने के बाद वो क्या होगा, अपलिफ्ट होगा, फोल्ड होगा, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। तो यह भी सत्य है, तो सही उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि हमें असत्य खोजना है। सी पर चलते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब आप इस पश्चिमी भाग पर नजर डालें, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसे बड़ी नदियों के द्वारा जो निक्षेपण हुआ है उसकी वजह से हमें तटीय क्षेत्रों पर मैदान देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिमी भाग पर जो आप तट देखते हैं ये नदियों के जमाव की वजह से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस क्षेत्र पर कोई बड़ी नदी आकर अरब सागर से नहीं मिलती। तो बड़ी अगर नदी नहीं है तो अपने साथ अवसाद वो लाएगी नहीं, और लाएगी नहीं तो यहाँ पर निक्षेपण भी करेगी नहीं, डिपोजिशन करेगी नहीं। तो फिर इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है सब्सिडेंस की वजह से, क्लियर है। पश्चिमी भाग का कुछ हिस्सा नीचे सबमर्ज हो गया, जो बचा हुआ वाला भाग है वो हमें तट के रूप में देखने को मिलता है। तो नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा पश्चिमी तट का निर्माण नहीं हुआ है, और इस तरह से जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन सी ही बन जाता है। चलिए ऑप्शन डी पर भी बात कर लेते हैं, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार देखने को मिलता है। ये आपको, अगर आप भारत का मानचित्र देखें, एक मिनट देख लेते हैं, यहां पर हम आते हैं,
यह वाला जो भाग है जिसे आप छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं, इस भाग को और एक नाम से भी जाना जाता है, सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र पर क्या हुआ था, भ्रंश घाटी निर्मित हुई थी। भ्रंश घाटी क्या होता है, तो जब एक प्लेट पर अलग अलग दिशाओं पर बल लगता है तो बीच का हिस्सा क्या होता है, टूट जाता है, और फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपको भाग दिखेगा, जो बीच का भाग होगा यह क्या होगा, टूटकर नीचे की ओर धस जाएगा, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, ये दोनों प्लेटें जो इसे सपोर्ट कर रही थी वो अलग अलग दिशा में बढ़ चुकी है, तो यह बीच वाला भाग धस जाएगा, भ्रंश का निर्माण होगा, और यहां पर जो वनस्पति होंगी वह भी क्या होंगी, इसके साथ नीचे की ओर दब जाएंगे। ठीक है, और इसी जमाव, इसी वनस्पति के जमाव की वजह से आज इस क्षेत्र पर हमें कोयले का भंडार देखने को मिलता है, जिसे गोंडवाना शैल समूह भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें खोजना क्या था, असत्य, और जो सी ऑप्शन है वो असत्य है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पर आधारित है, अर्थात हिमालय पर। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कुट से कीजिए। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली, इससे ऐड कर लीजिए, सभी नदियां सतत वाहनी हैं। सतत वाहनी करने का तात्पर्य क्या है, बारहमासी आप इसे कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे पेरेनियल कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ष भर जिन नदियों में पानी रहता है उसे बारहमासी, सतत वाहनी या पेरेनियल कहा जाता है। तो हिमालय की नदियों की यह विशेषता है, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम उत्तर पर आए तो ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है, गलत। देखिए, सतत वाहनी क्यों है, क्योंकि हिमालय की जो नदियां हैं इनमें जल अलग अलग समय पर, ऋतुओं पर अलग अलग तरीकों से पहुंचता रहता है। पहला तो जब मानसून होता है तो मानसून का पानी इन नदियों को लबालब कर देता है, और जब मानसून नहीं होता तो हिमालय पर स्थित ग्लेशियर या हिमानियों के पिघलने से इन नदियों में पानी चला आता है। तो इन कारण से, अर्थात मानसून काल में मानसून के जल से इन नदियों में पानी होता है, और जब मानसून नहीं होता तो ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर या हिमानियों के पिघलने से इनमें पानी चला आता है। ठीक है, इसलिए नदियां क्या होती हैं, सतत वाहनी होती है, बारहमासी होती है। तो ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। देखिए, जब हम हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी देखते हैं तो हमें यह पता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से हुई है। ठीक है, तो जब यह टकराव हुआ, भारतीय प्लेट अभी भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। जब टकराव हुआ तो सबसे पहला भाग उठा, ऊपर की ओर उठा, तो हिमालय का एक भाग बना, फिर और यह हिमालय की तरफ से फोर्स लगा तो दूसरा भाग उठा, फिर ऐसे तीसरा भाग भी उठा। तो आप क्या देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से हिमालय की श्रेणियां दिखेंगी, और ये एक दूसरे से दूर होंगी, अर्थात क्या होंगी, पैरेलल होंगी या समांतर होंगी। तो ये तो सही बात है। ठीक है, अब इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो इस पर अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमालय का जो उत्थान हुआ है वो सेनेजोइक काल के टर्शरी पीरियड पर हुआ है, टर्शरी पीरियड पर हुआ है। अब इस टर्शरी पीरियड के भी अलग अलग इपोक हैं, जैसे कि सबसे पहले पेलियोसीन और ईओसीन, इन दोनों समय काल पर हमें ट्रांस हिमालय का विकास होता हुआ दिखता है। क्लियर है, फिर उसके बाद, अच्छा ये लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है, और यह 55 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी। फिर आ जाता है ओलिगोसीन, लगभग 34 मिलियन वर्ष पूर्व, तो यहां पर हमें वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय का निर्माण होता हुआ दिखता है।
ठीक है। फिर उसके बाद ओलिगोसीन के बाद जब आप और नीचे आएंगे तब मतलब और नवीनतम काल पर आएंगे तो मायोसीन, तो यहां पर हमें लघु हिमालय या लेसर हिमालय बनता हुआ दिखेगा। और फिर प्लायोसीन में हमें शिवालिक या आउटर या बाह हिमालय बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी इन चारों में से कौन सी दिख रही है? तो देखिए शिवालिक तो सबसे नवीनतम है, ये नहीं आएगा। लेसर हिमालय शिवालिक के जस्ट पहले कहानी है, ये भी नहीं आएगा। और धौलाधार जो है ये लेसर हिमालय का ही पार्ट है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन सी पर स्थित है बृहद हिमालय श्रेणी, और बृहद हिमालय श्रेणी जो है वो प्राचीनतम श्रेणी है हिमालय की सभी श्रेणियों में से। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है नीचे दिए हुए जम्मू एंड कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। अब ये मानचित्र बदल चुका है, पॉलिटिकल मैप बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर फिजिकल मैप पर ही नजर डालते हैं। 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, और ये हमें चेक करना है कौन सा किसका है। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहले आपको भाग दिख रहा है, ये सबसे पहला भाग क्या है? तो यह है ट्रांस हिमालय। क्लियर है, ट्रांस हिमालय का सबसे पहला जो भाग यहां पर आपको दिख रहा है, ये पूरा ट्रांस हिमालय का पार्ट है, सबसे नर्दन वाला पार्ट है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे पहला वाला पार्ट क्या है? काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण पर हमें दिखेगा लद्दाख, और लद्दाख के दक्षिण पर दिखेगा झास्कर, ठीक है। तो ये सीरीज हम देख लेते हैं, काराकोरम, लद्दाख और झास्कर, और अंतिम में है पीर पंजाल। और पीर पंजाल किसका हिस्सा है? तो यह लघु हिमालय या फिर लेसर हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सी। तो इस तरह के पैटर्न पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्न पर हम नजर डालते हैं, और अंतिम प्रश्न कहता है ये पासेस या दर्रों पर आधारित है। तो इस तरह के क्वेश्चन दर्रों पर आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग पर नहीं, लेकिन कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तर्ज पर यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिपकीला हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक उत्तर प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में। तो ये इमेज हम देख लेते हैं। देखिए शिपकीला हमें कहाँ दिख रहा है? तो शिपकीला दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो पहला वाला तो सुमेलित है, ठीक है। दूसरा क्या था? लिपू लेक उत्तर प्रदेश में है क्या? तो लिपू लेक को अगर आप देखें तो यह उत्तराखंड में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। बाकी आप सिक्किम के नाथुला की बात करें तो ये आपको नाथुला दिख रहा है सिक्किम पर, और जोजिला आपको दिखेगा कहां पर? जम्मू कश्मीर पर, ठीक है। तो सही उत्तर उस क्वेश्चन का क्या हो गया? तो सही उत्तर हो गया बी, लिपू लेक उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह सुमेलित नहीं हो रहा है, क्योंकि लिपू लेक कहां पर स्थित है? उत्तराखंड पर स्थित है। तो इस प्रकार से इस पहले वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी टॉपिक पर क्वेश्चन आगे और वीडियो पर आपके सामने आ जाएंगे। बाकी इस FTR सीरीज पर बेस्ड पहले वीडियो के आधार पर कोई अगर सुझाव हो, कोई अगर आपकी मांग हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर उसे बता सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।